हेलो जी, बेगम साहबा जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं बोलूं रहीम। कौन रहीम? रहीम भाई। कौन रहीम भाई? अरे कसाईयों की अंजुमन का चेयरमैन भाई। बोलो। तो बेगम साहबा, आपसे ये पूछना था कि आपके घर कितने कसाई लेके आ जाऊं? कितने कसाई, क्या मतलब भाई? तो कल मैं आपके घर के पास से गुजरा था ना, तो आपके घर के अंदर से बहुत सारे जानवरों की आवाज आ रही थी, ऊंट की, गाय की, बकरे की, आपके मियाँ की। इस साल आप बहुत सारी कुर्बानियां कर रही हैं ना? जी नहीं, ये कमबख्त मारे इतने सारे जानवर नहीं लाए हमारे मियाँ, वो कंजूस मारे इतने सारे जानवर लाएंगे। अरे भैया, वो तो जानवरों की मंडी में जाके जानवरों की आवाज रिकॉर्ड करा के लाए, वही चलाते रहते हैं टेप रिकॉर्ड पे, कहते मोहल्ले में शोबाजी मारेंगे। हाँ, हमारा तो अपना ओरिजिनल बकरा खो गया। क्या आपका बकरा चोरी हो गया? तो क्या इस साल आपके घर कुर्बानी नहीं हो रही? नहीं। लो, मैंने खामखा 2 रुपए टेलीफोन पे जाया किए। फोन बंद कर। सतिया ना आ जाए, मनुष्य मारा, कंबखत मारा, नहीं तो हर जगह इसकी कंजूसी की वजह से जलील होना पड़ता है। अब बकरे का सुनेगा तो हार्ट अटैक ही होगा इंशाल्लाह। कंबखत मारे। जाहिल कहीं के।
जाहिल। और जाहिल नहीं बोलना। क्यों? मैं डंडे से फायर करता हूँ। मैं जाहिल नहीं हूँ। मैंने पुलिस में भर्ती होने से पहले ला किया। ला किया तो वकील बनते, इधर मरने की क्या जरूरत है? और बड़ी बोली है आप, वो वाला ला नहीं, ये वाला ला, गोल्ड लीफ का पैकेट ला, 500 रुपए ला, किसी की सिफारिश ला, ये ला वो ला, मैं तेरा मियां लाया ला, तू भी कुछ ला। नाम याद रखना हवलदार दिल पर चाड़ी अपनी तरफ से। अरे बकरों में क्या कर रहे थे? आपको तो पता है बेगम, मेरा ही नाम निकलने वाला है ना जी। पूरी कराची के चोर उचक्के बदमाश मेरे पीछे लगे हुए। मैं बकरों के रेवड़ में जाके छुप गया। अच्छा। हाँ, जान बचाने के लिए एक आदमी आया, खून के चक्कर में मुंह खोल, मैंने मुंह खोला, एक मुंह पे लात मारी, कह लेंगे इसके तो दांत टूटे हुए, ये तो हलाल ही नहीं है। बेगम, इस दांतों की वजह से तुम्हारा स्वाग बच गया। अरे हाँ, ये स्वाग जाया हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कमबख्त मारे नहीं तो वो बकरा चोरी हो गया अपना। बकरा चोरी थोड़ी हुआ, मैंने बेच दिया, 20 रुपए ऊपर मिल रहे थे ना। तुम्हें शर्म नहीं आती उसके की हरकतें करते हुए? अल्लाह, क्या हुआ? ये क्या किया? क्या कर लिया? अल्लाह, इतना खर्चा कर रही हो? क्या हुआ? बताओ, दोनों होठों पे लिपस्टिक लगाई दी है। तो बेगम, मैंने तुम्हें 10 दफा मना किया है कि सिर्फ एक होठ पे लिपस्टिक लगाया करो, नीचे वाले होठ पे, और बाद में कर लिया करो। अल्लाह, दोनों बालों पे लाली, कितना शौक है तुझे लाली खर्च करने का? है इतना ही शौक है ना, तो आईने के सामने खड़ी हो जाएगा और मुंह मार लिया कर, मुंह लाल, और इससे भी नहीं हो तो मुझे मौका दे। तुम बहुत मारे, तुझे मौका दूं, मनुष्य नहीं था, दुनिया का आखिरी बुरा आदमी, बेड़ा गर्क को तेरा। कमबख्त मारे, तेरी कंजूसी की वजह से हम बदनाम हो गए, खानदान वालों के सामने आज तक सर उठा के नहीं चल सकते। तू क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? बारात लेकर आए थे, इतना भी नहीं हुआ कि अपना घोड़ा कर लेते, दूसरे की बारात में उसके घोड़े पे बैठ के आ गए कि भाई हमें भी छोड़ देना अगले घर। और वो छुआरे लाए थे, पत्थरों पे छुआरों का रंग करके लाए थे, हमारे खानदान वालों ने खाए, सारों के दांत टूट गए, आज तक गालियां देते हैं तुमको। बेड़ा गर्क नहीं तो आज तक बेटियों की शादी तुमने सिर्फ जायज के चक्कर में नहीं की है। कमबख्त मारे, ऐसे लड़के ढूंढते फिर रहे जो जहेज ना मांगे। भला बता, आजकल के लड़के जहेज नहीं मांगेंगे? आजकल के लड़के तो बोलते लड़की दो ना दो, जहेज दो। हाँ, तो तू जहेज में क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी? ये जो कुछ है घर में मेरे बाप का ही तो दिया हुआ है। चार कुर्ते, 2 पजामे, वो भी बगैर सिले लेकर आई थी। और क्या मतलब है तेरा? बेड़ा गर्क नहीं तो सत्यानाश या मनु, अल्लाह करे मरे तू। तू मरे, तू तो ये चाहती है जो कुछ मेरे पास है ना वो सब तुझ पर खर्च कर दूं। हम खर्च करने को कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे वहां पर रखवा दो, तुम्हारा क्या भरोसा? कब बगैर कुछ ऊपर निकल लो तो हम तुम्हारे पीछे कहां आते फिरेंगे? हाँ? कितना शौक है तुझे बेवा होने का? बड़ा शौक है मुझे बेवा होने का। बड़ा दिल करता है मेरा, मैं चूड़ियां तोड़ू, काले चमकदार स्याह कपड़े पहनू, तुम्हारे सच मुच के मरने पर झूठ मूठ रहू, मगर क्या करूं, हसरत ही रहेगी दिल में मेरे। इंशाल्लाह ये हसरत तू दिल ही में लेकर जाएगी। अल्लाह बड़ा बादशाह है भाई, उसके अंधेर है, अंधेर नहीं है। इससे पहले तू बेवा हो, मैं रंडवा ना हो जाऊं। ओए ओए, कमबख्त मारा, एक पर रंडवा हो रहा है वो भी इस तरीके से? शर्म नहीं आती इस किस्म के बुरा बुरा लफ्ज बोलते हुए? है अरे इतना बुरा लफ्ज है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और जो लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगे वो भला मैं तुम्हारे नाम के साथ कैसे लगा सकती हूँ? अब इतनी मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ ना। हाँ, इतनी तो मोहब्बत करती हूँ ना। तू कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, मैं तुझे और तेरी औलाद को एक पाई भी दूंगा मर के भी, सब अपने साथ लेके जाऊंगा। आइए करंसी वहां नहीं चलने की, वहां तो तुम्हारे अच्छे अमाल चलेंगे जो तुम यहाँ से लिखवा कर जाओगे, और तुम्हारे सारे बुरे अमालों में एक यही अच्छा अमाल होगा कि तुम इनाम के 20 लाख रुपए और इंश्योरेंस की रकम मेरे नाम कर दो। इनाम मिलने वाले है ना मुझे, इसलिए तेरे रवैये में ये तब्दीली है। पर नहीं, इतनी मोहब्बत से तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। तो जानू, आपने कभी मौका भी तो नहीं दिया। आप एक दफा हमारी बात मानकर दुनिया सधार जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। कैसे मर जाऊं? क्या खुद ही मर जाऊं? हेलो कमबख्त मारे, तुम मरने की बात तो करो, 1001 मौत है। एक भी बता दे। एक बता दो, वहां चले जाते कहां? राजीव गांधी के जलसे में। आज को फटे पड़े होते तो मैं सोनिया गांधी के बराबर में खड़ी होकर तुम्हारी चिता को आग लगते हुए तो देख रही होती। चलो ये भी छोड़ो, उसमें बैठ के चले जाते घोटकी वाली ट्रेन में। बेड़ा गर्क नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश है। और सुन लो, अब ऐसा किया करो, रोजाना रात के 12 बजे के बाद कराची में निकला करो, अव्वल तो डाकू मार देंगे,
उन्होंने छोड़ दिया तो दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ जाओगे, और उन्होंने भी छोड़ दिया तो इंशाल्लाह पुलिस तो आपको मार ही देगी। एक दफा, सिर्फ एक दफा आप हमारी बात मान कर तो देखें, फिर देखिएगा मैं कैसे बाल फाड़ के चेहरा पीट के बैन करूंगी। आए ला कैसा गबरू जवान चला गया, इसकी आई मुझे आ जाती। आमीन। दुर्फिटे मुंह, सारी लानत तू मुझे दे दोगी तो अपने पास क्या रखेगी तू? कमबख्त मारा, तुझसे बड़ी लानत है मेरे पास। क्या कांड हो गई? किसने की? फिरोज ने चलान करा दी। क्या हुआ? पूरे मोहल्ले में फैला दिया कि आपका 20 लाख रुपए का इनाम निकला है, तो अब सब मिलकर अप्पा को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। है? कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ। कैसा प्रोग्राम बनाया मुझे तो बता। अम्मा बड़ा ठीक ठाक प्रोग्राम है, बस जरा अजियत कम है। नहीं नहीं, अजियत कम नहीं होनी चाहिए, कूट कूट के भरवाना इसके लिए। क्या मतलब, क्या मतलब समझो इसे। अरे आहिस्ता बोल, चीख के फटेगा क्या? एक तो मेरा बच्चा शोहरत दिला रहा है, शहरत मिलेगी शहरत। मैंने कहा अजियत कम नहीं होनी चाहिए, मारो कूटो, मेरा बाप है, मैं जिम्मेदार हूँ। अब देखना अम्मा, अब्बा की तस्वीर आएगी अखबार के टाइटल पे और नीचे लिखा होगा अब्बा मरने के बाद भयानक रूप में। अबे ओ बकवास बंद कर, मुझे मालूम है इनाम निकलने वाला है ना, मेरा रकम मिलने वाली है, इसलिए सब मेरे पीछे पड़े हैं। एक पाई नहीं दूंगा किसी को भी, सुन लो। पाई नहीं दूंगा किसी को भी, तुम्हारा पूरा दम लगा रहा, मर दूसरी तो मरे तू, सत्यानाश जाए तू, मरेगी तू। हर चीज में कंजूसी, हर चीज में कंजूसी, कम तुम्हारा खत में भी कंजूसी की है, शुरू नहीं होता कि खत्म हो जाता है। मत कितनी मर्तबा क्या इज्जत किया करो इनकी, भाई इनकी क्या इज्जत करे, इनका तो मुंह देखकर जाहिल होने को दिल करता है। तो इतने बुरे तो शादी क्यों की थी? हमने थोड़ी की थी, इनके अब्बा ने गारंटी दी थी कि घर ले जाओ बड़ा हो जाएगा, जब से खाद डाल रही हूँ इतना का इतना ही है। खाद डाल रही है? अब क्या नींबू का दरख्त है क्या? अब्बा तुम बेइज्जती कराते हो, बहुत बेइज्जती कराई है तुमने मेरी। अबे ओ क्या किया मैंने? कभी बकरा बन के बकरियों में घुस जाते हो, कभी कुछ, परसों तुम्हें केमसी वालों से बचाया, कुत्ता कैंची में नहीं डाल के ले जा रहा था तुम्हें। बकवास बंद कर, चल फैक्ट्री जा। फैक्ट्री जा, फैक्ट्री जाके क्या उसकी दीवारें चाटू? 6 महीने से तो फैक्ट्री बंद पड़ी है, सारी मशीनरी पुरानी हो गई। अब्बा मैं तो कह रहा हूँ अब तो इनाम के 20 लाख रुपए मिलने वाले है, नई मशीनरी बदलवा दो। मशीनरी बदलवा दू? बावला हो गया हूँ मैं, आज मैं मशीनरी बदलवाऊ, कल कोई आग लगा दे। इन्हीं हालात ने हमारे मुल्क को तबाह किया, इन्हीं हालात ने। सरमायादार अपना सरमाया नहीं लगाते और आग लगाने वाले आग लगाने से बाज नहीं आते। यहाँ का सरमाया धड़ाधड़ दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है और यहाँ के गरीब बेचारे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अरे सरमायादारों, उन गरीबों के लिए भी सोचो। अबे अबे अबे, लीडर बनेगा क्या लीडर? बकवास बंद कर और फैक्ट्री जा, चल। कितने फखर से बोलते हैं फैक्ट्री जा, चल। वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है वो, पापड़ तो बनते हैं वहाँ। सारी पोल पट्टियां खोल दे आपकी। पोल पट्टियां खोलूंगा, पापड़ भी जाली बनते हैं, भूसी टुकड़ों को तल के मसाला लगा के बेच दो, मुझे पता है। चल फैक्ट्री। एक तो ये घर बनाया है, घर बनाया है शहर से, इतनी दूर घर बनाया तुमने, इतनी दूर है ये घर शहर से, आदमी सौदा लेने मंगल बाजार जाए तो बुध वाले दिन पहुंचता है। अबे शुक्र कर, ये भी बना दिया, वरना लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है। आलम या तेरा शुक्र है इस घर का, फैक्ट्री का और इन माँ बाप का। लोग बोलते क्या उधार लिए मैं माँ बाप? नहीं तो माँ में क्या बुराई है भाई? अरे तुम्हें भी बुराई है। क्या तुम्हें अपनी जोड़ी सेट नहीं देखी? क्या मतलब है? माँ देखो हमारी, माँ देखो आलम चन्नी और बाप देखो कोडू चन्ना। तुम्हारा बेड़ा सर को अल्लाह करे मरो तुम लोग, तुम लोगों के खातिर अपनी जिंदगी अजीरन कर दी है मैंने, सिर्फ तुम लोगों के खातिर छुट्टे के साथ गुजारा कर रही हूँ। बेड़ा गर्क नहीं, तो तुम्हारा भी सत्यानाश जाए। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा बच्चों की फरमाइशें पूरी कर दिया करो, लेकिन तुम नहीं माने। बेटे तो बेटे, बेटियां हाथ से निकली चली जा रही है। अरे तुझसे ज्यादा फिक्र है मुझे। क्या फिक्र है जी, एक शकीला की तो शादी हुई है, बाकी 3 बैठी हुई है पहाड़ जैसी, और ये बेटियां अल्लाह तौबा, मना किया था घर में खिड़कियां मत बनवाओ, देख लो कोई खिड़की खाली नजर आती है, 3 पे कमबख्त मारी एक एक यूं करके टिकी बैठी रहती है। क्या किया है हमारी बेटियों ने? क्या किया है उस पर? रशीदा को
हर वक्त जूडो कराटे के कपड़े पहने घूमती रहती है। वो नुक्कड़ वाली आई, मैंने कहा चलो देख लेंगी कहीं रिश्ते की बात चलाएंगी। मैंने कहा बेटा सलाम करो, तो पता है क्या करती है? हाँ ही महाबेगम तुम्हारा करो बड़ी अच्छी लग रही थी। सबिया को मैं तो कब से नजर है सबिया पे। हाँ 10-15 फिल्में देखी है भाई। बेगम क्या काम करती है, आजकल तो साबुन के इश्तेहार में भी आ रही है। बात ही बड़ी लानत है तुम पर मनुष्य मारे। मैं अपनी सबिया की बात कर रही हूँ, अपनी बेटी की। तो सबको कहो ना, सबको कहो ना। उसको देखो कमबख्त मारी नहीं लो, एक एक जुमले पे 10-10 दफा अटकती है, लेकिन गाने का शौक है। गाना गाएंगी अकली कहीं की। हाँ कुछ मेहमान आए रिश्ते के लिए, मैंने कहा बेटी इनको सलाम करो, तो क्या कहती है कि आपकी खिदमत में एक नया तोड़ा। मस्त मलंग चेकी तई डाडा दिल तंग चेकी तई, मस्त मलंग चेकी तई डाडा दिल तंग चेकी तई, दे जा दीदार सोने यार मेरी तोबा तोबा, दे जा दीदार सोने यार मेरी तोबा। ऐ करते रहो ना, अच्छे लग रहे थे। मस्त मलंग चेकी तई डाडा दिल तंग चेकी तई। हेलो कौन? हेलो हेलो कौन? आप कौन? अरे औरत बोल रही है। ए औरत तू मेरी कमजोरी है, औरत तू एक पहेली है। हा? कौन है? अरे नादानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन, डॉन डबल रोटी। अरे कौन बोल रहा है भाई? भाई बोल दिया, तुम औरतें बहुत छिचोरी होती हो। बोरा नहीं भाई बोल दिया, मेरे को पहचान? कौन हो? पहचान ले तो तेरा। अरे भाई मैं अपनी दो निशानियां बताता हूँ फिर पहचान। बताओ। पहला तो ये है कि तुमने मेरे को देखा नहीं है, दूसरे आपन कभी मिले नहीं है, अभी पहचान। ये कौन सी पहचान बता रहे हो? अरे भाई मैं बोलता हूँ हाजी करीम। हाजी करीम? करीम हाजी करीम। क्या हुआ भाई? तुम्हारे घर में है ना एक बहुत ही कोई घटिया आदमी रहता है, क्या नाम है? फिरोज। बहुत जलील आदमी है। मैं उसको कमीन समझता था, वो जलील निकला। इतना जलील है, इतना जलील है, सुबह सुबह मेरी दुकान पे आया, बोले हुकूमत ने ऐलान किया गंजे हो जाओ। मैं गंजा हो गया, मैं जैसे ही गंजा हुआ मेरे सर पे चमाट मार के भाग गया। अरे तो तुमको किसने कहा था उसके कहने पे गंजा होने की? अरे मैंने बोला हज का सीजन है, बोलेंगे हज करके आए यार। आप कभी मेरी दुकान पे आओ। क्यों भाई? अरे मैं गंजा हुआ हूँ ना, ऐसा पोपट सर निकला है मेरा, आप देखोगी ना आपका हाथ फेरने को दिल करेगा। सत्यानाश या शर्म नहीं आती माँ बहनों को टेलीफोनों पे छेड़ते हुए? एक बात बताओ कि मैं गंजा हुआ हूँ, मेरे सर के बिल्कुल बीच में तिल है, इसका क्या मतलब है? अम्मा शादी की रिहर्सल कर रहा हूँ। शादी की रिहर्सल? आखिर कभी ना कभी तो मेरी शादी होगी। तो कभी ना कभी होगी ना, अभी तो नहीं हो रही। तो तुम लोग मेरी शादी क्यों नहीं कराते? अरे मर्द तुम्हारे तीन बैठी हुई है पहाड़ जैसी, उनसे पहले नहीं हो सकती तेरी शादी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीनों बहनों का ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है। तो वो कुंवारा पड़े पड़े कितना बासी हो गया हूँ मैं, वो बूंदी लग गई है मुझ में। मोहल्ले वाले आ जाते मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू तो इतना पुराना है, इतना पुराना है कि अपने बाप से भी 2 साल बड़ा लगता है। कल तक जो लड़कियां मुझे अमिताभ और गोविंदा कहती थी, आज उन्हीं लड़कियों के बच्चे मुझे प्रेम चोपड़ा कह के छेड़ते हैं। मनुष्य मारे कमबख्त ये बता दे ये हार किसने पहना दिया? कौन पहनाएगा, कौन पहनाएगा? एक ही तो अपना हमदर्द है फिरोज, जिनने पहना है। अम्मा हार पहना के दूल्हा बना के मुझे ले जाने लगा। अबे मैंने कहाँ ले जा रहा है? कहने लगा अपने घर ले जा रहा हूँ। अबे मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है, तेरा तो अपना कोई घर है ही नहीं, तू तो खुद ताया के मरने के बाद हमारे घर पे रहता है, तेरा अपना कौन सा घर? तो कहने लगा वो हम सबका घर है।
हम सबका घर है। बता अम्मा मुझे वो कहा ले गया था? एसी सेंटर के अपना घर है। मुझे कह ले आ जा अपना ही घर है। अब मैं वहां जो गया हूँ अम्मा तो क्या देखता हूँ, इतनी सारी लड़कियां दुल्हन बनने के इंतजार में बैठी थी। अम्मा ऐसे ऐसे बूढ़े माँ बाप देखे जिन्होंने अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान किया, आला तालीम दिलवाई, और उस मनहूस औलाद को देखो उतने जवान होने के बाद अपने उन्हीं माँ बाप को एडी सेंटर में जमा करा दिया। अम्मा अम्मा इतने लोग डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, ऑफिसर बन रहे, मैं तो कहता हूँ अगर कुछ लोग सत्तार एडी बन जाए तो सारे मसले हल हो जाए। अम्मा वो तो पता है क्या अम्मा, मैं तो जल्दी से भाग आया वरना आज तुम एक पागल के साथ कहलाती। भाई तुमसे भी बड़ी बड़ी पागल थी मैं। मेरा करेक्टर ना सुतिया ना जाए, मैं पागल नजर आती हूँ अंधे? अब्बा तो यही कहते हैं। क्या कहता है तेरा बाप? उस दिन नहीं अब्बा को तुमने चिमटा फेंक के मारा तो अब्बा कहना कौन मुंह लगे ये तो पागल है भाई। औकात में रहकर मनुष्य मारे अपनी। कहाँ जा रही हो? अंदर। मैं समझा ईदी सेंटर। वो किधर है फिरोज? मुझे क्या पता, बाहर ही हार पहनाया था उनने मेरे को। एक तो तुम्हारे बाप ने उसकी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लिया, वो मनुष्य वाला पूरे मोहल्ले में हलाला था बेटा। तो बाप है ना हमारा कंजूस, उसकी जायदाद पर कब्जा भी कर लिया और हमें भी पैसे नहीं देता, ना हमारी शादी कराता ना। अरे यार हेलो बोरा। हेलो भाई। हेलो कौन बोल रहा है? बोरा तय कौन बोल रहा भाई? मैं रशीद। बोरा काय की रशीद है तू? मेरा नाम है रशीद। बोरा तू रसीद है किसने काटी है? तो भाई मेरा नाम है रशीद। अच्छा तू रसीद है? हाँ। मैं बोल रहा हूँ शमशु कैश मामू। कौन? अरे शमशु कैश मामू, तेरे मोहल्ले में रहता हूँ भाई। अच्छा ये पीछे ना अपार्टमेंट। हाँ। उसमें गणी को जानता ले आप गद्दे वालों को, उसके बराबर में इदरीस पान वाले की दुकान है ना भाई। हाँ। उसके बराबर में हमारी दुकान है, दूध बेचू। अच्छा अच्छा दूध बेचते हो? हाँ भाई। तारे घर में एक आदमी रहे फिरोज नाम का। हाँ। उसकी शिकायत करनी है भाई। कैसी? मैंने पहचान गया ना। हाँ। इतनी इसकी बराबर की दुकान में रहूँ, उसकी बहन का बेटा हूँ। हाँ। रात को 2:30 बजे 50 है मेरे पास होंडा 50, उस पे डब्बे लटका के दूध बेचू। तो दूध बेचते हो ना भाई? तो और क्या कह रहे हो भाई, मैंने पहचाना नहीं तू। उसने हमारे दूध के अंदर जो है ना भाई पानी घेर दिया, उसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई। अच्छा। अब हमारी गायें भी मारे दूध ना दे रही क्योंकि उसका बछड़ा मर गया। हरी शक्ल मारे बछड़े से बड़ी मिले भाई। जरा 10 मिनट के लिए आ जा, गायें को दिखा के दूध निकालूंगा, तेरी मेहरबानी। तेरे बाप का बछड़ा ये? इसके आगे Thank you.
चची अम्मा, चची अम्मा तेरे बाहर जाना। क्यों? जल्दी आओ। क्यों? झगड़ा हो गया। किससे? वो लड़कों से। उनको मैंने उनकी आंटी को छेड़ा वगैरह, तुम अपनी भी भेजो। तो कहाँ से आ रहा है मनोज? मैं वो बाहर इतने लोग खड़े हैं, वो आ गए बाहर से सारे लोग, उनको पता चल गया आपका जो है ना वो 20 लाख रुपए का इनामी बॉन्ड निकला है। वो लोग कह रहे हैं कि इनामी बॉन्ड निकल गया, आपके सारे रिश्तेदार बाहर जमा हो गए, अंधे लूले लंगड़े सब बाहर खड़े हैं, जाओ भर दे। क्या तू? मैं घर पे नहीं। मैंने तो बोला दुनिया में ही नहीं है आप। मैं तो पूरी बात कर दी, क्योंकि मैं इस चक्कर में हूँ 20 लाख रुपए मिले तो जो आपने मेरे अब्बा की जायदाद पे कब्जा किया मैं वो पैसे वसूल करूंगा। मैं उनको क्यों लाने दूं? आया कौन है? बहुत लोग आए, वो पुरानी पुरानी औरतें आई है 1947 की। औरतें आई है? बहुत पुरानी आई है। जागे थे वो बाहर थी, पता क्या सब लोगों ने अपनी लिस्ट दे दी है। इन्होंने बोला ये कर्जे की लिस्ट है, हमारे पैसे वापस करो। गरीब थे तो कोई नहीं आया, सारे रिश्तेदार आ गए मनुष मारे। तो हमारा कौन सा कोई आया है? हमारे तो बचे कोई ना, सारे मर गए बॉर्डर पे। आपके आए जो सिखों ने छोड़ दिए जिंदा, वो बड़े हो गए आए मनुष। देखो कई बार रस लगा हुआ क्या पिस पिस कर रहे, फिनिश छिड़क रहे घर में। बेटा मैं छुपने के लिए जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं मैं अंदर। मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल ही छुप जाएं, क्योंकि आपका निकला इनामी बॉन्ड। अगर इनामी बॉन्ड की रकम का किसी को पता पड़ गया कि 20 लाख रुपए, आप अगवा भी हो सकते हैं, कत्ल भी हो सकते हैं, समझ गए ना? ठीक है बेटा। आजकल कत्ल को मुश्किल काम नहीं है, पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए। बेचारा को लट्ठा पूछ रहा था क्या कर दे, पड़ाख लग दे कल, समझ गए ना? कोई आम पूछ रहा था उसकी टांग में लग जाती, यही चल रहा है, इसलिए छुप जाओ। ठीक है, तुम्हें छुपना भी कोई नहीं, इन पे टोकरा दे दो। बेटा मेरा काम करो, मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आएगा, बस उसे जरा चेक कर लेना, देख लेना उसे। बच्चियों के लिए रिश्ते आने दो यार, क्या बात कर रहे हो? आपकी बच्चियां हैं? आप ही की हैं? और क्या जाहिर है, हमारे मैं आपके भाई का बेटा हूँ, इस घर में आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी क्या बात है? बच्चियां हैं, उनके रिश्ते मैं देखूंगा, बच्चियों को देखूंगा, इस घर को देखूंगा, सब चीजें मैं देखूंगा, मेरी नजर है यहाँ इंशाल्लाह, मतलब मेरी जेरे नजर है ये सारा काम, मतलब ये कहने का। अब इतनी भी नजर नहीं रखनी? नहीं, वो इतनी उतनी जितनी भी है काफी है। चलो आ रहे रिश्तेदार। भाई बेवा हो गया क्या? अबे क्या अम्मा अब्बा रखे हुए तुझे? क्यों भाई? जापानी रख, अच्छे बने। अभी तू कैसी बात करता है? और तूने अब्बा को भगा दिया, मैंने उनसे शादी की बात करनी थी। शादी की बात करनी थी? काय कर रहा तू? शादी शादी करने को खुशी के लिए? शादी देखा है शादी शुदा लोगों का अंजाम? क्या अंजाम? शादी करेगा पागल कहेगा। देख शादी शुदा लोगों को। कहाँ देख? अबे देख, दिखाऊं भी मैं। देख शादी शुदा लोगों को और औरतों की आजादी देख, कैसी आराम से बैठी और मर्दों ने बच्चे पकड़े हुए। देख देख इतने ढीट है ये, देख सुन लिया फिर भी बच्चा वापस नहीं कर रहा, पकड़ नहीं कर रहा। सही कह रहा तू, सही कह रहा है, ये मर्दों की बेइज्जती है ना। नहीं यार, फिर भी मर्द शादी तो करते हैं ना। अबे शादी करो मगर कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जान। स्टैंडर्ड? बच्चे अच्छे घर छोड़ गया आदमी, गिन के बंद कर दो, शाम को जाकर फिर गिन लो। स्टाइल लाइफ पे मॉडर्निज्म। शादी करो जरा, देखभाल के भाई जान, मैं तेरी शादी करवाऊंगा ना। तू करवाएगा? और क्या, मैं हूँ ना मेरा भाई, मैं लड़कियां देख रहा हूँ तेरे लिए। अच्छा? हाँ तेरे लिए देख रहा हूँ, देखता मैं हूँ लेकिन तेरे लिए। क्या अबे लड़कियां देख रहा हूँ मगर तेरे लिए। अच्छा मेरे लिए? कोई लड़का हाथ ना बार बार चल, नए कपड़े पहने अपने तो देख, वहां चल लंडा बाजार की गठड़ी वहां खड़ा। अबे हम शादी कर रहे हैं, हम शादी करके दिखाएंगे तेरे को। मेरी शादी के स्टाइल है? कैसे स्टाइल? पहले मेरी जान शहर में घूमो, लड़कियों को देखो, उनके पीछे जाओ, उनके घर देखो, मेहनत करो, पैदल फिरो, लड़की भी देखे। हाँ यार इसकी जस्तजू है, ज्यादा रौब डालना चाहता, लड़की घर पे फायरिंग कर दे, घर वाले डर जाएंगे उसके। अब क्या हुआ बेटा? मेरे दोस्त अब्बा दोस्त होगा तो फिर क्या काम करेंगे? सिर्फ लाइफ स्टाइल छेड़ो, बाहर निकलो। नहीं यार मुझे तो छेड़ना आता ही नहीं है यार।
तुझे छेड़ना नहीं आता? नहीं। तो कैसा पाकिस्तानी है तू, लड़की को छेड़ना नहीं जानता? अबे अपने मुल्क पे धब्बा है तू, नाक कटवाएगा ये क्या कहेगा हमें छेड़ना नहीं आता? अबे हम तो दुनिया का किसी मुल्क में ले जाओ पाकिस्तानी छेड़ के दिखाएंगे। लड़कियां छेड़ना तो हमारा कौमी खेल बन गया। पागल, नाक कटवाएगा? पाकिस्तानी तो वो कौम है, सऊदी अरब कितना सख्त मुल्क है, उसमें भी लड़कियां छेड़ दे। और तो और तू दोजख में देखना, वहां भी औरतों को छेड़ेंगे। दोजख में क्या फायदा? अरे उनको पता है इससे आगे कहां जाना है, छेड़ो। ये और कहीं छेड़ते हैं? और कोई नहीं, देख हवाई जहाज में जाओ, हवाई जहाज रोज की से बेचारी रोती हुई उतरती है। जलील ने पानी मांगा। क्यों बैठते सीटों पे यूं? अब यहां से जाएंगी क्या? ये वजह है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तो वो तो अमीर लोग बैठते होंगे ना जहाज में, जो जहाज में सफर करते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता, हम गरीबों के लिए बसों में जो औरतें हैं ना वो कंडक्टर हों, ताकि वो बस में से उतरे ही ना। जो लटका हुआ वो लटका हुआ है, कहां उतरेगा? आखरिश्ता पाखरिश्ता। वो मेरे जैसा पैसेंजर होगा ना, तू कंडक्टर है, पूछ कहां जाओगे? कहां जाएंगे आप? एक साल का टिकट दे दे। मैं तो पूरी साल बस में ही रहूंगा। यार अगर औरतें कंडक्टर हो ना बस में, मैं तो यूं खड़ा हूंगा यूं। मगर ये सब तेरे सपने हैं गरीब, ये सब तेरे सपने हैं, तेरे ख्वाब है। एकदम तेरी आंख खुलेगी, तेरी अम्मा कहेगी जा डबरू ले गया। मेरी जिंदगी इतनी है बस। यार तू नहीं मेरे लिए लड़की देख सकता? ओ, क्यों नहीं? मैंने तो बोला मैं तेरे लिए रिश्ते देख रहा हूँ। देख रहा हूँ जबरदस्त रिश्ते तेरे लिए देख रहा हूँ भाई। कौन सी लड़की देखी? मेरे पास तीन चार रिश्ते हैं। नहीं नहीं ऐसा कर, आम मैं लंगड़ी से रिश्ता कर ले। लंगड़ी? हाँ, शादी कर ले। हनीमून पे जा रेल में, मांगता हुआ जाइयो, मांगता हुआ जाइयो, तेरा खर्चा भी बचेगा। नहीं नहीं लंगड़ी से शादी नहीं करूंगा। गाड़ी भी है उसके पास। नहीं गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? कौन सी? बैरिंग वाली। पेट्रोल का खर्चा नहीं, पंचर भी नहीं होती कभी, दरवाजे भी नहीं, जब मर्जी बैठ जाओ, कंधे में उठा के घर में चले जाओ। नहीं नहीं यार मैं अब्बा से बात करूंगा, वही देखेंगे मेरे लिए। अब्बा तो बेटा तेरा बहुत सालिम है, इंतहाई कंजूस इंसान है तेरा बाप। इतना बुरा मैंने बाप नहीं देखा आज। और क्या, हमारे अब्बा के मकान में तो रह रहे हो तुम लोग, यहाँ से इंशाल्लाह तुम सबको निकलवा के जाऊंगा बेटा। मुझे नहीं निकाली भाई, नहीं है, मुझे नौकर रख लूंगा मैं। मेरा अब्बा यार मेरी शादी नहीं करते यार। शादी नहीं करते? पैसे पकड़ अब्बा से। कैसे? पैसे कैसे पकड़ते? कुछ भी नहीं पता पागल। पैसे पकड़ अब्बा से, और वो पैसे ऐसे नहीं देंगे। अब्बा से पैसे पकड़ क्योंकि पैसे ही सब कुछ है, बाप कुछ नहीं। नहीं नहीं यार, बाप बहुत बड़ी चीज होता है भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया। बाप बहुत बड़ी चीज है भाई, कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है। नहीं बाप बहुत कुछ है, वो अपने अब्बा को देके कहीं से दही ले सकता है? नहीं, फिर अब्बा कहेगा वो क्या अब्बा जिससे दही भी नहीं आ सकती। पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार बाप कुछ ना कुछ तो होता है। मैं अब्बा से पैसे पकड़ूंगा, शादी करूंगा बस। तुम जाओ अब्बा से पैसे पकड़, अगर पैसे पकड़ पैर पकड़ सब काम ना चले उसका गला पकड़। जाओ जाओ, कराऊंगा इस घर के अंदर बर्बादियां इंशाल्लाह। हेलो भाई, हकलो क्या हाल है? फिराज कैसे हो? मैं ठीक। तो मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने किसका दिल दुखाया जो मेरे हिस्से में यह अजाब आया? तुझसे प्यार करने का मतलब है स्पीड ब्रेकरों पे जा रहा है आदमी। नहीं तेरे से प्यार कर लो मैं पागल हूँ? चल मैं आज कहूँ आई लव यू, हफ्ते को तू जवाब दे अगले हफ्ते को। पागल है तेरे से, तेरी मेरी जोड़ी नहीं है। क्यों तेरे मुंह इतनी देर में? तेरा मेरा क्या जोड़ पागल? हम शालीमार एक्सप्रेस और जा रही है टका 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 टका। तू खैबर में हर स्टेशन पे डागा डाक टिकटे डागा डाक टिकटे। जोड़ नहीं है तेरा मेरा, कोई जोड़ नहीं है। देखा फिरोज, मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। हाँ और मैं शादी नहीं करूंगा तो तुमसे ही नहीं करूंगा।
हाँ तो खुद ही कर लियो, अकेली तो मुंह में बैठ जाइयो। मैं फंसू तेरे से शादी करके? पागल तू तो कबूल कबूल में अटक गई। तो काजी का ओवर टाइम तेरा बाप देगा? इतने इतने से बराती आएंगे, इतने बड़े बड़े होके जाएंगे। कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम्हें पता है मैं वो टी 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 लिप्टन टी तूने पी? मैंने नहीं पी। टीवी जा रही हूँ, टीवी। अकेली मत जाना टीवी। क्यों? अकेली टीवी मत जाना। क्यों? बिल्कुल भी हालात ठीक नहीं है शहर के। ओ पागल, इस वक्त तो हालात ही बदल गए। अजीब गरीब हालात है। अभी चांद रात को देखा मैंने। क्या? वो कुछ भाई अपनी बहनों को चूड़ियां पहनाने लाए। मुख करे निकाली नहीं, चूड़ियां पहनाने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहनो चूड़ियां, पहनो पहनो, चूड़ी वाले को मार रहे हैं। पिनाओ चूड़ी पिनाओ। वो घबराहट में पैर में पिनाना शुरू हो गया। मन से एक आदमी को कोक पीते हुए देखा। हालात ठीक नहीं शहर के। एक को कोक पी रहा, डगड़ गंड रखी हुई है, पी रहा है। आज कल बिल्कुल हालात ठीक नहीं है। अकेली मत जाइयो। लेकिन वो किसी ने मुझे कहा है कि मैं ही 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 हीरोइन बन सकती हूँ, तो तुम बनवा दो ना। अच्छा मैं हीरोइन बन सकती? तू पागल है? उसमें तो डायलॉग भी बोलने पड़ते हैं। हाँ तो ट्राई ट्राई ट्राई। चले ट्राई में टिकी भी है। ट्राई 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 है ना? डायलॉग बोल रही। हाँ। चल ठीक है, मैं तुझे एक काम दिलवा दूंगा, तू डायलॉग बोलेगी। बोल डायलॉग। अरे कस्तंतनिया के शहजादे, मैं पहाड़ों से पैदल चल के तुम्हारे लिए आई हूँ। जंगलों में नंगे पैर फिरी हूँ, जाओ मेरे लिए चप्पल लेके आओ। बोलो बोल डायलॉग बोल। ओ ए ओ सिनेमा टूट गया, सीटें फट गई, पब्लिक बाहर, पोस्टर जल गए। तो इतनी देर में बोलेगी जो हीरो होगा वो तो उस तरह बाल सफेद हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है फिर, मुझे सुनो गाने के लिए। टीवी मत जाना। क्यों? टीवी मत जाना। क्यों? तू टीवी में मत, तू सीएनएन में काम कर। क्यों? ओ टीवी में तू नहीं चलेगी, सीएनएन में चल जाएगी। कैसे? जहां तू अटकेगी वो लोग वहां पट्टियां डाल देंगे। तो ठीक है, मुझे वो गाने के लिए ले चलो। वेरी नाइस, तू गुलोकारा बन सकती है। उसकी वजह पता क्या है? कि गाने के अंदर तू जहां रुकेगी वो लोग म्यूजिक डाल दो, तू सेट हो जाए। ठीक है, तू गाना गा लेती क्या? अबे तो हाथ बोले क्या कर रही है? हाँ तो गंगा का सुना, म्यूजिक मेरा मैं म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ कौन सा गाना बोलते शुगर? शायद मेरी शादी का बयान, शायद मेरी शादी का बयान दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें बुलाया है ना। कंजूस की औलाद बीच में से चाय गायब कर दी। बुलाया है किस लिए बुलाया ये तो बता। तेरी अम्मा ने उसे पोछा मारने के लिए बुलाया? काय के लिए बुलाया? अखबार के लिए बुलाया है? नौकरी के लिए? काय के लिए? कुछ तो बता। मुझे क्या बता? क्यों है? है? क्यों है? अच्छा मेकअप में नहीं हकलाती तू? मेकअप पूरा करती है, वहां भी अटक जाया कर रही। इतनी लिपस्टिक लगा, इतनी छोड़, इतनी लगा, इतनी छोड़। वो अभी लेटेस्ट स्टाइल में फिर ऐसे ऐसे लगाऊंगी लिपस्टिक। अब मैं वो जाऊं? हाँ ठीक जाओ। मेरे दोस्त है वहाँ टीवी पर, उनसे मिल लियो। कौन से है कोई? हाँ मेरे दोस्त है वहाँ टीवी पे, मैं मिलूंगी। हाँ। तो फिर मैं जा रही हूँ। हाँ। हाफिज। हाँ। अच्छा खुदा हाफिज कहना। होगी शादियां तुम लोगों की, शादियां कराऊंगा चाचा जान तुम्हारी बच्चियों की। मैं हूं ना, इस घर में चार लड़कियां हैं और इस्लाम में चार की इजाजत है। ये मैं बताऊंगा शादियां करेंगे। हाँ हेलो, हाँ कौन? हाँ रॉन्ग नंबर से बोल रहा हूं। हाँ भाई बात करो, नंबर मिला है? क्या नाम है? ऐसे पूछ रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए। हाँ तो रॉन्ग नंबर भी फोन होता, बात करो ना। अच्छा गालियां दे रही हो? अल्लाह हाफिज। भाई
आदमी अभी आ किस तरह रहा है और मर्दों की तरह अभी आओ मैं क्या कहूंगा जमाना कहेगा आओ सीधा चल सीधा सीधा चल बेटा कुछ साइंसी तजर्बे से बना आदाब आदाब क्या हाल है भाई अल्लाह का एहसान है आपकी दुआ है ये जहाज खुश्की में भी चलते हैं अल्लाह मजाक नहीं करे ना अल्लाह अल्लाह वाला केस है अल्लाह कितने क्यूट है आप कितने बकवास है आप बता मुझे हाथ लगा दो अल्लाह आपने मुझे पहचाना नहीं नहीं पहचान तो गया हूँ कह नहीं रहा मैं और ये बात नहीं है चलो वो बात होगी देखिए आप मेरे बात तो सुन लीजिए ना मेरी मैं नवाब हसमत बेग का फर्जंद नवाब अख्तर बेग हूँ चले जान मैं जिक्र किया था कि आप रिश्ते के लिए आ रहे हो माशाल्लाह आप लोगों के भी शादियां होती है अच्छा एक बात बताइए आप क्या बारात आती है कि जाती है देखिए मैं फिर मजाक कर रहे हैं ना आपको बीमारी है कपड़े धोने की मेरा ख्याल अल्लाह हम रो देंगे ना हम आपका मुंह धो देंगे ना अंदर से 11 नंबर का जोकर निकलेगा बताया मुझे वो यहाँ हमने सुना है कि लड़कियों के रिश्ते हैं हाँ वो मैं समझ गया था आप क्या तो एल्बम भी भेजी थी चाचा जान ने अपनी बच्चियों की हाँ बहुत सारी तस्वीरें देखकर उसमें से रशीदा का रिश्ता पसंद किया था हाँ रशीदा जी रशीदा को शायद आप जानते नहीं है रशीदा जो है ना जी वो जोड़ो कराटे की मास्टर है वो जोड़ो कराटे और आप आटा गूंदा पराठे मसला गलत हो जाएगा नहीं करे ना हमें रिश्ता दिखाइए ना मैं बुला लेता हूँ सुनो अकेले हो या और बहन भाई भी दो बहनी और चार भाई और हैं तो सीधे सीधे छह बहनें हुई ना भाई मजाक नहीं करे ना रो दे मीना बाजार की पब्लिक है तू अभी बोला ठहरे ठहरे हम बुलाते हैं उनको अपना रशीदा को बात करा दे आपकी सुनो इधर आओ मेरी मानो तो यहाँ शादी मत करो हाथ सीधे गले के टूटे हुए लड़की का बाप जुआ कराता है होटल बंद होने के बाद तंदूर में सुरंग खोदी भी उसने शाम को बोतलें बेचता गुड़ बाप तुम पार्टियां हाँ रक्स करवाता है अंदर से तू भी गंदा है बेटा आजा मेरी मानो तो यहाँ पे ना करो ये बातें पैसे वैसे तो नहीं लाए हाँ अम्मी ने चलते हुए 10,000 रुपए जेब में डाल दिए थे कहा था नौकरों में बांट देना छुपा के रखना लड़की का भाई जेब कुतरा है लो मैं लड़की को बुला रहा हूँ तुम्हारा दिल करो देख लो जैसी भी बात है मैं बुला दूँ बुलाओ ना रशीदा तेरी जिंदगी अल्लाह ये किसकी आवाज है रशीदा कराटे इतनी तकलीफ दे आवाज जी हाँ उनका स्टाइल है भाई जिंदगी गुजार रही है अपनी लड़कियां आजकल मेरी कमर तोड़ दी फिरोज ये क्या चीज है ये आपका सुहाग कुड़िया कुड़िया हाँ ये आपके सिलसिले में आए आपके अप्पा के दोस्त हैं और नवाब अख्तर अली के बेटे नवाब शमशाद अली क्या है भाई आप बताओ अख्तर बेग नाम है मेरे अप्पा का नाम हसमत बेग है भूल जाते हैं ना अख्तर बेग इनके अब्बा का नाम हसमत बेग इनकी अम्मी का नाम ब्रीफकेस बानो है जी हाँ पूरी फैमिली है मैं इससे शादी करूंगी जी हाँ हम लोग के हालात ही ऐसे क्या करें ओहो तो आखिर मुझ में क्या खराबी है बस यही खराबी है चाल चलन ठीक नहीं है आपका ये आपसे शादी करना चाहते हैं आपसे मिलना चाह रहे थे मैंने कहा मिला दूं आप देख लीजिए अगर आपके मेयार पे पूरे उतरते तो आपके अब्बा से मिलाऊं देखो फिरोज तुम्हें तो मेरा आइडिया मालूम है हाँ हाँ आप बता दो कोई बात मेरी आइडिया ये है कि मोहम्मद अली की तरह चाल हो और उसकी तरह आवाज हो अल्लाह मोहम्मद अली की तरह चाल उसकी तरह आवाज मैंने तो कल 2 दिन से प्रैक्टिस की है मैं जरा सामान छोड़ दे इसके बाद तो चाल और आवाज दोनों दिखाता हूँ ये मोहम्मद अली आ रहा है अब यहाँ से मोहम्मद अली साहब को मोहम्मद अली साहब क्या जमीला मेहंदी लेने जा रहे हैं मोहम्मद अली मुकाल में बोल रही दुनिया वालों तुमने मुझसे मेरी शब्दों को छीना है अगर ऐसा मोहम्मद अली है तो सही छीना भाई तेरा दिमाग खराब है इतनी बार तुझे कैसा है एक तो मुंह लंबा ऊपर से टोपी लंबी पहन ली बदतमीज कहीं का अब ऐसे मामले मोहम्मद अली का रौब नहीं देखा इसने अदालत में देखो उनका देखना जज साहब
जज खड़ा जाता जी साहब रहने तेरा रो भी नहीं पड़ सकता तेरा तू बिल्कुल ही नाकारा है ये आइडिया आइटम दूसरा आइडिया ये है कि गोविंदा की तरह डांस भी करता हो हाँ गोविंदा की तरह डांस दुनिया में प्यार मिले कोई दिलदार मिले बातें सुबह के लिए बात दा और नाम तो पूरा सुनते भी नहीं है बट तमीज ये गोविंदा था लग रहा है काशा बेवा हो गई ऐसा करते को ना तुम्हारे मेयार पूरा उतरा ही है नहीं नहीं तो मैं ठीक है ओके तुम्हारी तरफ से ना मंजूर अल्लाह तेरा शुक्र लो भैया आप ना मंजूर हो गए अल्लाह मुझे अफसोस है बरहाल आप शेख साहब से मिलना चाहें तो तीन चार घंटे बाद उसको उठेंगे आप अंदर आराम फरमाइए ठीक है किसी चीज की जरूरत हो जी। हमें ना कहिए आइए शादियां करवाऊंगा इस घर अंदर आइए 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 अच्छा वो आप आ गए जाइए सर हम आपसे नहीं बोलते आइए हम आपसे बोलते हैं सर आप हमें पढ़ाने क्यों नहीं आए असल में बात ये हुई कि मैं ट्यूशन के लिए इसलिए नहीं आ सका कि घर में चार ट्यूशनें मिल गई और इस्लाम में चार ही ट्यूशन की जाना काश पांच की होती सर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आओ सवालात पूछो हर बात तालीम का मतलब क्या है कि तालीम को आम करो मैं भी इसी बात पे अमल करता हूँ पूछो क्या सवालात पूछने लाइयो लिख के होमवर्क कर लिया था जी चलो सवालात पूछो शाबाश जल्दी मेरा पहला सवाल ये है हाँ हाँ क्या मोहब्बत अंधी होती है हाँ मोहब्बत अंधी होती है लेकिन हमसायों की आंखें होती है इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप खुद अंधे रहे लेकिन पड़ोस का ध्यान रखें वो फिर अच्छी बात नहीं है अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मकानों में खिड़कियाँ क्यों होती हैं हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने जिन घरों में लड़कियाँ होती हैं वहाँ खिड़कियाँ होती हैं जो छड़े होते हैं उनके दरवाजे होते हैं ये स्टाइल है खिड़कियाँ भरी भी अच्छी लगती है खाली खिड़कियों पर तो लानत देने को दिल करता है खिड़कियाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये लड़के कहाँ जाएंगे खिड़कियों की वजह से तो मोहल्ले आबाद हैं ये खंबे आबाद हैं खिड़कियां हैं तो सब कुछ है खिड़कियां हैं तो ये हजामों की दुकानें चल रही हैं खिड़कियों की वजह से तो कटिंग होती है यूं यूं ये क्या है ये खिड़कियों की रौनक है अच्छा सर मेरा तीसरा सवाल ये है अब्बा का मतलब क्या होता है अब्बा का मतलब क्या होता है अलीब से अकेला बेसे बेवकूफ एक बेवकूफ अकेला जो पूरे घर को खिलाता है अपनी औलाद को पालता है फिर वही औलाद उसे ठोकरें खिलाती है ये अब्बा होता है आज के जमाने में तो मेरे हिसाब में यही मतलब आया अच्छा सर मेरा चौथा सवाल ये है कि खत लिखने का तरीका क्या है यह बेहतरीन है यह बेहतरीन है लिखो लिखाइए लो लिखो शुरू करो लिखो भाई खत लिखना कैसे होता है लिखो लिखाइए लिखो ए मेरे ये तो गाना है तो उर्दू में ना है तो लिखने के लिए कहा है ना गाना है तो क्या हुआ लिखाइए तालीम के दौरान में डिस्टर्ब करती है ए मेरे बच्चों के अब्बा इधर तो आ हाँ जी का मतलब है हाँ आगे बात करें तुम्हें ट्यूशन पे शक करती हो मैं तालीम को आम करना चाह रहा हूं तुम बिल्कुल इस तरीके से मुझे देख रही हो उस मेरे खुदा मेरा दिल चाहता तुम्हारी आंखों में डूब के मर जाऊं चलो लिखो आगे लिखो लिखाइए लिखो आई लव ये क्या होता है गरीब से गरीब को इसका पता है यही तो सस्ता लफ्ज है इंग्लिश का जो सब याद कर लेते और अफोर्ड भी कर लेते लिखो आई लव आई लव लव पाकिस्तान तुम मुझ पर शक कर रही थी ना देखो क्या निकला मैं बता रहा हूं मेरे सामने
تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں بھائی جی 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 لکھو لکھائیے میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اپنے ٹیچر کے ساتھ جا رہی ہوں معاشرتی علوم کی کتاب لینے لکھ لیا اگلی کو کتابیں ان کے گھر پہ رکھی ہیں بولو پہ شک نہ کرنا تعلیم ہے لکھ لیا سر آپ تو ڈانٹ رہے ہیں ہاں لکھو کہ کتابیں ان کے گھر پہ ہیں اور دستخط کرو تاکہ میں کاؤنسلر سے تصدیق کروں دیکھو آج کل زمانہ ٹھیک نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تعلیم دوں ایجوکیشن عام کروں تو آج کل رسکی زمانہ ہے آپ کو رشتے دار میرے پہ کوئی الزام لگا دے تو ریٹرن میں ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے اوکے لکھ لیا آپ نے چلے آگے لکھے لکھے تم ضد تو کر رہے ہو میں کیا تمہیں سناؤں جو تمہارا دل کرے سناؤں اس کا جواب ہے تعلیم آئی ہے اوکے آج کا ہوم ورک ہوا یہ بک پکڑو اور انشاءاللہ کل سے میں گھر پہ آؤں ٹھیک ہے تو کچھ اپنا کورس وغیرہ کتابیں وغیرہ خرید لینا تو کاپیاں واپیاں اور ابا آ گئے تو بس کل تک کی تعلیم ہے ہماری اوکے کل کے بعد پھر آپ نے آنا اوکے بائے خدا حافظ میرے اللہ ٹیوشن دیے جا بس ابھی کیا تھکاؤ گے لائن سے کھڑے رہو آنے بھائی تم تو پرسوں بھی آئے تھے اپنے ابو کے ساتھ جی میں وہی ہوں تم وہی ہو جی ماشاء اللہ آج کیوں آ گئے بھائی رشتے کے لیے آیا ہوں رشتے کے لیے آیا ہوں ابا نے بھیجا جی ویری گڈ تو آج کل بچے خود ہی آ رہے ہیں رشتوں کے لیے بہت اچھے تم تو باقاعدہ پورے تیار ہو گیا جی ادھر دیکھو ویری نائس بیٹا کسی نے پیچھے سے رکشا کہہ کے آواز تو نہیں دی نہیں اچھی بات تو شیخ صاحب نے اپنے بچوں کے رشتوں کی ذمہ داری مجھے دی جی میں اس ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں تو انٹرویو میں نے ہی کرنا ہے کیا کام کرتے ہو میں جرمن میں فیکٹری ہے بہت بڑی شیشے بنانے والی میں شیشے صاف کرتا ہوں جرمن میں ایک فیکٹری شیشے بناتی ہے تو شیشے صاف کرتا جی بیٹا یہ کون سا ہنر ہے بیٹا اب تو پاکستان میں میرے خیال ہے شیشوں کا سسٹم بھی ختم ہونے والا ہے کیونکہ لوگ پتھرے مار کے پہلے شیشہ توڑو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم پردوں کا سسٹم دیکھو ہر طرف پردے کے شیشے نظر آ رہے نہیں شیشے تو نہیں ہے یار تو کہاں شیشے پھر کیا صاف کرو گے آپ شیشہ یہ اتنا بڑا شیشہ نظر نہیں آ رہا آپ کو بیٹا میرے سے بڑا چھوڑو تو ایسی بات کر جو میری عقل میں آیا میں چماٹے مارنے شروع کر دوں گا کہاں ہے شیشہ یہ اتنا بڑا شیشہ لگا ہوا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کیسے انٹرویو لے رہے ہیں آپ کہاں ہے شیشہ بھائی میں ثابت کر سکتا ہوں ثابت کر یہ دیکھو لو شیشے تھا بیٹا یہ جی اب ایک کام کریے شیشے صاف کر کے دکھاؤ صاف صاف نہیں کر سکتا ہوں لڑکی ہے کھڑی بھی ہے ابھی میرے ساتھ ڈانس بھی کرے گی
साफ भी करेगी। साबित करूं? साबित करके दिखाएं। हट गया, हट गया। शेख साहब रिश्ता दे ना दे, मेरे जहन में एक धंधा आ गया। ठीक बताओ। मेला लगने वाला, उसमें अपन एक स्टॉल लेंगे, तेरे को घुमाएंगे, रेडियो स्त्री पंखा रखेंगे, जहां तेरी टांगे रुक गई वही पब्लिक का इनाम। ठीक ठीक है, ठीक है। शादी को छोड़ धंधा सोच, पागल धंधा धंधा। ठीक है ठीक है, दोनों भाई मिलके बिजनेस करेंगे, जैसे आता ऐसे ही निकल, वैसे ही जाऊं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्ता करवाऊंगा तेरा मैं, शीशे साहब तेरी तबीयत साफ करूंगा बेटे, शीशे साफ करेगा। अंदर क्या है भाई? सवाल, एक सवाल रखा है, हल करो। रिश्ता है आपकी बेटी का? ये रिश्ता जी, ये हमारी बेटियों के लिए ऐसे ऐसे रिश्ता ले गए क्या? मुझे पता कैसे रिश्ते रह गए? वो आया आपके मियाँ का दोस्त का बेटा, मैं तो जा रहा हूँ 12:30 बजे। कहाँ जा रहा है? लड़कियों के स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा तो मायूसी से फैल जाएगी माँ, 5 स्कूल है, अकेली जान है। सवाल नहीं है ये, किसी के सवाल का टेढ़ा जवाब। क्या है इसको? मना करो, खिड़की में खड़े होकर कंगी ना करे। क्यों? बाहर छिछोरों का रश लग गया। मैंने पूछा काहे के लिए आया? तो रिश्ते के लिए आया हूँ। अब मैंने कहा किससे शादी करेगा, तो कहने लगा तू कर ले, मैं करूँगा। जी आपके बाप ने भेजा है रिश्ता मनुष मारे ने, कम बहुत मारे ने। एक कम मत, मैं कितने मरतबा कहा बाप की इज्जत किया करो। क्यों भाई? अरे मियाँ तुम्हारा दूसरे की बीवियों को देखा, अपने मियाँ की कितनी इज्जत करती है। तो उनको करने दे, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और अम्मा तुम्हें तो अपने मियाँ की ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। क्यों? वो तुम्हारे बाप के बराबर। ये काहे के लिए आया? ये कह तो रही हूँ तुम्हारे बाप ने भेजा मनुष्य रिश्ता हो, अमीर होगा ना कम बहुत मारा नहीं तो अमीर है। काम करते हैं, निशीता तो मानेगी नहीं, फरीदा की शादी कर लेते। अम्मा वो मेरी ना सहेली की शादी हो रही है, तो कुछ जेवर चाहिए पहनने के लिए। डाकुओं के इस मौसम में जेवर दे दे हम इसको। मना किया तेरे बाप ने? आपा कह रहे जब तेरी शादी होगी ना, जब तुझे जेवर मिलेंगे, और हमने तेरी शादी का इंतजाम भी कर लिया है, लड़का भी अंदर है। क्या वो अंदर वाला? तो क्या बुलाई है उसमें? अरे अच्छा खासा लग रहा है, बाप फरमा बरदार, पैर धो धो के पिएगा तेरे, पैर धो धो के पिएगा। अरे वो तो इसके पैरों में अपनी जन्नत समझेगा। मगर मगर मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। बस ये क्या कर रही है? उस गरीब की जन्नत खिला रही है। देखिए अम्मा, मैंने कह दिया है और मैं फिर कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद की, आखिर मेरा भी कोई आइडियल है। अरे चल, आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, आइडियल सिर्फ फिल्मी हीरोइनों का होता है, और आजकल हर फिल्मी हीरोइन का आइडियल सिर्फ नदीम है, रंगीला किसी का आइडियल नहीं है। सुन लिया अम्मा, मारी दी तो करने शादी, अमीर लड़का है ऐश करेगी। देखिए अम्मा, मुझे अमीर लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे आदमी से जो खुद मेहनत करके कमाता हो।
उन्हीं की करा दे, अब्बा की तो लॉटरी खुल जाएगी। पीसी खुलेगी, पीसी पहली ना आखिरी दरमियानी पीसी। अरे ये फिरोज पता नहीं एक तो काम मर जाता है यार। छोड़ो यार, ये मुल्क बनाया क्यों? ये सहूलत है यहाँ पे? अरे अखबार में तो दे दो यार के स्कूल बंद है। क्या हुआ? कहाँ से आ रहा हूँ पैदल यार? आदमी इतना मोटा मैं चौकीदार बिठाया हुआ यार, कोई तरीका यार? एक इतनी सी खबर लगती है अखबार में कि ठरकी भाइयों से दरखास्त है स्कूल बंद है, आदमी नहीं जाएगा भाई। कैसी कैसी बातें करता है भाई? कैसी कैसी बातें क्या करता तू? बात सुन, वो तू टीवी का प्लग जेब में रख के क्यों ले जाता भाई? तेरे अब्बा ने कहा है घर में टीवी कम जलाओ, और इस वक्त हमारे मुल्क का कौमी तकाजा ये है कि हम बिजली की बचत करें। जितनी बचत होगी हमारे मुल्क को उतनी सहूलत होगी, कच्ची और गरीब आबादियों में भी बिजली जाएगी। थोड़ी देर तुम बड़े लोग अंधेरे में बैठ जाओगे तो मौत नहीं आ जाएगी, थोड़ी देर उनकी झोपड़े में उजाला हो जाएगा, ये सोचने के लिए लोड शेडिंग की जाती है, समझ गए? नहीं समझे? यार बात तो अच्छी है, लेकिन यार वो जो नवाब साहब आए हैं रिश्ते के लिए, वो कह रहे हैं उनके अब्बा का मुशायरा आ रहा टीवी पर। फिर ठीक है, चला देता टेलीविजन, उसमें क्या है? तू प्लग लगा दे। हाँ जा, आज मरतो आज मैं भी देखूंगा। हाँ तू भी देखियो भाई, नहा ले जा, नहा के देखियो, पता नहीं तेरा आखिरी टीवी ना हो। आ जा जा, देखूंगा टीवी चलाऊंगा मैं। कहां से चलाए टीवी? मैंने तो इस घर को बर्बाद करने की कसम खाई है, टीवी तो पता नहीं कब का बेच के खा चुका हूं, अब क्या चलाऊं? नवाब साहब को टीवी दिखाऊं? ऐसा टीवी दिखाऊंगा बेटे सीएनएन भूल जाएगा तू इंशाल्लाह। अभी दिखा रहा हूं तेरे को टीवी। दो हमने टीवी देखना ही फोन आ गया। हेलो, हेलो, कौन भाई? कौन बोल रहा है? मैं हाँ, रशीद चिरांदी। हैं? रशीद चिरांदी, शेख साहब का बेटा रशीद। हाँ भाई, तुम तो मर गए थे। नहीं नहीं, अरे हाँ भाई, परसों मेरे पास फिरोज आया, मुझे कहने लगा मेरे चाचा का बेटा रशीद मर गया। अच्छा? उसके कफन दफन के लिए 500 रुपए चाहिए। फिरोज कह रहा था? हाँ यार, फिर ठीक ही कह रहा था, मैं भूल जाता, मुझे याद नहीं। बेटा कितनी बुरी बात है, तुम मरने से पहले बता दे भी गई हो। क्या क्या बकवास कर रहा फालतू की? शेठ कहाँ है? शेठ? हाँ मेरा अब्बा। हाँ हाँ, वो लंबे गए हैं। बेटा वो आए तो उसे कहना रहमान का फोन आया था, मेरा कर्जा लौटा दे। कर्जा? हाँ, मैं बड़ा परेशान हूँ उसके लिए। मैं पता है कहाँ कहाँ गया हूँ? कहाँ गया? मुझे किसी ने कहा लाहौर गया, मैं लाहौर गया, फिर पिंडी गया, फिर पेशावर गया, फिर बुल्तान गया, पूरा पाकिस्तान घूम कर आया, शेख नहीं मिला कहीं। अब्बा के कर्जे की वजह से पूरा पाकिस्तान घूम लिया? हाँ। कितना कर्जा है? 5 रुपए भाई। पांच रुपए के लिए पूरा पाकिस्तान घूमेगा? यहाँ हमने टीवी देखना है, नवाब का तो बहाना है, टीवी तो मैंने देखना था। अस्सलाम वालेकुम, अली इराकी टेलीविजन स्टेशन है, अंतारबिल प्रोग्राम तफसील उर्दू ट्रांसलेशन अल प्रोग्राम अल अरबी उर्दू बातचीत अल मश्क नंबर 11। इंसान के बच्चों की तरह टीवी देखो, कुत्ते की तरह मत बैठो। अल प्रोग्राम अल तफसील, मैं जो अल्फाज दोहराऊं आप अपने घर में बैठ के दोहराएं ताकि आप अरबी बातचीत समझ सके। पहले अरबी, उर्दू, फिर अरबी बनाएंगे। मैं एक कुल्लू का पट्टा हूँ, एक कुल्लू का पट्टा। अब हम अरबी बनाएंगे। आजा पट्टथुन उल्लू है, अल प्रोग्राम अल स्पॉन्सर अल खजूर अल कंपनियां, अंता गर्मी गला उल खुशकुन तासीर उन बुखारा। या मुसलमान भाई भाई, एक गिलास पानी लाओ भाई। अल प्रोग्राम तफसीलन
عربی اردو بولا پانی لاؤ پتھر کا بچہ جاؤ ہر پروگرام تفصیل اور خبیث کا بچہ پانی لاؤ جاؤ ابھی ابھی حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ کنجوسوں کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے گی. کنجوسوں کے خلاف تحریک چلانے کے سلسلے میں پانی گلا دیو بھائی پیاس لگی مسلمان کے بچے پانی دے. اس وقت حالات کے تحت کنجوسوں کو سزا موت دی جائے گی. شیخ نذیر جو انتہائی کنجوس انسان ہے حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ انہیں سزائے موت سرعام دی جائے گی. ایسے کنجوس اور گھٹیا آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا, بخشا نہیں جائے گا. کیا پٹر پٹر دیکھ رہا ہے کمینے؟ تو اسے گھٹیا کمینے انسان کو تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں کیا؟
बहुत मारे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तबा करे कमीने, दूसरे के घरों में बैठ करके दूसरे की टेलीविजन पे बैठी हुई मां बहनों को देखते शर्म नहीं आती। तुम्हारी वजह से टेलीविजन हुक्काम ने अच्छे अच्छे अनाउंसरों को उठा के मोटी मोटी लड़कियां यहाँ पे रख ली है कि तुम लोग घरों में बैठ के बहुत मारे, तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम लोग बारिश वाले कुत्ते अल्लाह कर तुम मर जाओ घटिया इंसान। पैसे मिले नहीं, अब्बा बने हुए। लो पैसे।
मुझे पता था अब्बा यही गंद करेंगे, पैसे नहीं लाए। मैं रहने दे, तेरी शादी क्यामत तक नहीं होगी ना तुझे पैसे मिलेंगे। जरा एक काम कर, क्या जा माँ का सेवर चुरा, चोर बन चोर चोर। मेरा वादा है, दोस्त की हैसियत से मैं जेल पे रोटी लेके आऊंगा, जा। मैं चोरी नहीं करूंगा, अम्मा से पैसे मांगूंगा। मांग जा अम्मा से पैसे, मांग अम्मा देंगी जब ना पैसे। पैसे वैसे है नहीं फैमिली में, 20 लाख मिल जाए इस चचा को तो कुछ ना खिलाऊंगा इंशाल्लाह। इसके घर में बर्बादी मेरा मिशन है, अल्लाह करे वो रिश्ता और मैं निकालू। आओ भाई, ठीक है नवाब साहब है क्या उनके शेरवानी में कोई परेशानी है? नहीं नहीं, चक्कर क्या आई क्या? आपने कहा था लेकिन बहुत झांकू तबीयत के नवाब है, ये बात क्या था क्या देख रहे हैं? वो टहम नहीं नहीं, आपने कहा था ना कि बैठना नहीं, इसलिए माय फॉल्ट। जी जी, क्या हुआ? घर वालों ने आपको खुशामदीद कहा, उन्होंने कहा कि हम उनको दिलो जान से खुशामदीद कहते हैं। क्या पिएगा? चाय। चाय मंगवा लीजिए, जाइए पी के आइए, मैं यही। अच्छा, अपने पैसों से पिया? और नहीं तो क्या, ईरानी करेंसी से पिएगा? से पोलैंड के पैसे आप अपने पैसों से पीता? देखिए आपका मतलब है हम मंगाए तो पीएंगे? ठीक है, आप चाय वाय के साथ कुछ और नोश फरमाते हैं? खाना खा लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इंतजाम करूंगा, कहीं भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे भी देखता हूँ हालात क्या है। अच्छा, मैं नवाब साहब के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा था, मुझे बताइए ताकि मैं बेगम साहब को बता सकूँ। साहब नवाब साहब बड़े ही रहमदिल है जनाब, अभी हम आ रहे थे तो एक साहब कहने लगे नवाब साहब मुझे कुर्ता चाहिए। नवाब साहब ने उठा के कुर्ता दे दिया। जबी तो चेहरे में नूर है। अरे जनाब रोज भाई, एक साहब आए कहने लगे नवाब साहब 1,000 रुपए चाहिए। मुझसे कहा सेक्रेटरी 1,000 रुपए दे दो, मैंने उठा के 1,000 रुपए दे दिए। क्या लोग है भैया? अरे साहब एक और किस्सा सुनाता हूँ। और सुनिए, एक साहब आए कहने लगे नवाब साहब मेरा बेटा नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। नवाब साहब ने मुझसे कहा सेक्रेटरी अपना बेटा दे दे, मैंने उठा के बेटा दे दिया। नवाब साहब मेरे पास बीवी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका तो शौक
शान में गुस्ताखी हो जाएगी, प्लीज जल्दी कीजिए। देखिए मेरी बीवी मैं के गई हुई है। कोई बात नहीं, आप पर्ची दे दे, मैं बाद में वो छोड़ दूंगा। प्लीज फिर साहब, मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप किताब क्यों नहीं छपवा ले जाए वो ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप कभी इनके घर तशरीफ लाइए। अच्छा भाई, क्या खाने पकते हैं, अल्लाह दाल चावल का तो जवाब नहीं है। अल्लाह, लोग प्लेट में थोड़ी खाते हैं, पूरी देख उलट दी जाती है और लोग चमचों की जगह बेल्टों से खाते हैं। कल हमारे यहाँ पराठे बने हैं, अल्लाह आधे खा लिए, कमर में ऐसी चल गया था ठंड की, आधे ओढ़ के लेट गई। परसों पेस्ट्रियां बनी थी, बच गई तो तकिए थोड़ी रखे, पेस्ट्रियां रख के सो गया। बड़ी बड़ी पेस्ट्री बनी है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद आप बुरा मान गए। नहीं बुरा नहीं मान गया, आपने मेरे अंदर सोए में आदमी को जगा दिया। आप तो शौकिया बातें कर रहे हैं, मेरा पेशाब आ जाएगा। भाई मैं आपको एक और बात बताना जी, जनाब नवाब साहब के हाथ में एक बहुत कमाल है साहब। क्या? एक की दो चीज कर देते हैं। हाँ, आप यकीन नहीं करते, दीजिए कोई चीज दो कर देंगे। हाँ, ऐसी बरकत है हाथ में, बेशक। अल्लाह हाथों को चूम लूं, हाथों को चूम लूं, दूल्हे में ना। हाँ, शुक्र है मेरे मालिक, ये बरकत है। दीजिए नवाब साहब, 200 कर दीजिए प्लीज। आपके हाथ में तो बरकत है नवाब भाई, आंखें बंद करो। चाची, मेरे पास और पैसे भी छे हजार है, 12 कर दो, 12 छे है, 12 कर दो यार। परेशान ना हो यार, सुनो सुनो यार, इधर ना करते क्या जी डबल का मतलब समझा नहीं यार। मेरे चाचा की लड़की घर में, उसको दो कर दो, बड़ी मगरूर है, दो कर दो उसको। हाँ असल रख लेगा, फोटो स्टेट वापस कर देंगे। प्लीज यही चलता करो, इंडिया चलते, इंडिया मैं श्रीदेवी को ले आऊंगा दर्शन करने के लिए। दो कर ले, दो माधुरी, दो जिया पर्दा, दो ठीक है ना, ये काम कर लेते क्या फायदा। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए टाइम मुक्कर रहे हैं हम, 12 से 1 ठीक है, 12 से 1 में कर लेंगे। मैं भी आपको कुछ बातें बताऊँ जी, इस घर के कुछ उसूल। अच्छा, आपको रिश्ते के लिए लड़कियों को देखना है कि शादी से पहले आप लड़की को देखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मत कहिएगा लड़की को ना आए, बुरी बात है, खाना नहीं लोगे, बुरा समझेंगे। आप बोलेगा स्वीट डिश मंगा लेगा। क्या? स्वीट डिश, स्वीट डिश डिश। अगर अम्मी को बुलाना तो आप कहेगा मसूर की दाल ले आइए, और अब्बा से मिलना हो तो आप कहेगा खमीरी आटे की रोटी ले आइए, और आपसे मिलना हो तो मेरे लिए बोलेगा मिक्स चाट ले। ठीक है, ये अल्फाज याद रखेगा, घर वालों याद। मालिश कर दियो तो चल उसे भेज, मालिश ये समझ रहा मुझे कौन है, ये दिमाग खराब हो गया आपको, कौन है ये मालिश कह रहे हैं आप, इतने नहीं लाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जनाब कुत्ते नहलाते हैं। हाँ, आप नहाओगे? हाँ, ये परिस्थिति हमारी हो रही है। सही है, कहाँ नहाएंगे पागल, ये बाहर के कुत्ते हैं, बर्फबारी के। आप लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालिए, इससे पहले मेरे पे छींटे आए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम मांग के करूँ। अच्छा, वो नवाब साहब रिश्ते, नवाब साहब यार कभी नहा तो लिया करो। क्या कह रहे हैं नवाब साहब, आप तो नाराज हो गए। नवाब, मैं नवाब नहीं हूँ, नवाब साहब वो खड़े हुए, प्लीज उनसे बात कीजिए। चले, ये नवाब है, नवाब को क्या कलफ लगा के लाया? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं भंगियों से नहीं मिलता हूँ, नवाब है कह सकते हैं। नवाब साहब नाराज हो गए आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार इसने तो हाथ चूम लिया, अब तो ये कटवाना पड़ेगा। ओ, ये कैसे रहा है? तो फिर जाओ गला कटवाओ। इसको भी तो चूमो, पहली चीजें नहीं चूमता हूँ मैं। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, कुछ मंगवाइए ना साहब, प्लीज। खाने पीने के लिए कुछ चलेगा? मैं मंगवाऊँ? जाओ फिर स्वीट डिश ले आओ। नहीं देखे, पहले खाना चलेगा बाद में स्वीट डिश। नहीं तो मैं सर, हम मंगा तुम लोग आप।
इजाजत हो तो मैं बात करूं। आप भी बात कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। बहुत शुक्रिया। कौन है आप? मैं नकारा हूँ। और आप? हम नकारा है। नकारा? नहीं, आप सब कहने का मकसद है कि हम कुछ काम तो करते नहीं है, इसलिए नकारा है। बड़ा मुश्किल है लेकिन कागज बहुत अच्छा है। नवाब साहब, आप ठुमरी सुनेंगे या दादरा, दीपक नाम या मल्हार, पहाड़ी या दरबारी? ऐसा करो बीबी, हमें ड्राइंग रूम ही सुना दो। आप बड़े छिछोरे हैं। नवाब छिछोरा अच्छा नाम है। हाँ, तो इजाजत है उस्ताद जी। मैं उस्ताद जी? उस्ताद जी तबला संभाल ले। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल, हर रात भी सुनी सुनी लागे, हर दिन
हरी मिर्चे काटनी है चचे मैंने बताया। मैं तो डर गया था कि शायद आप हमें दे रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, हम दे रहे थे। हाँ तो बदल दो, मसला ये है कि वो अपना क्या नाम है, ये तो सीएनएन थे, अब उनकी किसी वाली बेटी तशीफ ला रही है रेडियो मुल्तान। जिसका मैंने कहा था दो कर दो, अल्लाह ने आपके हाथ में बरकत दी है नवाब साहब, प्लीज ये कुछ सामान है, ठीक है पकड़ो सही यार, इसमें दो बनियाने चार कर देना बड़ी मेहरबानी होगी। दो पार्टनर है, चार हो जाएंगे मेरा साल निकल जाएगा पूरा, बड़ी मेहरबानी। भाई ने मेरा दो चप्पलें चार हो जाएंगे, तेरा भाई कभी नंगे पैर नहीं फिरेगा। मेरे भाई ने अल्लाह ने बरकत दी है, दोस्त ने भाई ने शादी कराऊंगा मैं लड़की से, अपना गुलकंद बानो। हाँ फरीदा गुलकंद बात यह है कि तुम्हारे अब्बा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नवाब साहब को जरा कराची फिरा के लाओ, तो आप इन्हें गांव फिराने के लिए चल चलो पेशावर चल शावर चिबल्ले चिबल्ले तू बड़े जब तक ये नहीं आते आप यही नहीं। देखिए साहब मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मंत्र कौन पढ़ेगा? ऐसी एक ऑनर की नहीं है जिसे हम दो कर दें, इसी की तीन कॉपियां कर लीजिए, ऐसा मसला नहीं है, मास्टर प्रिंट दे दिए जितनी कॉपियां बनाए, कोई मसला नहीं है। आप चाचा जान का जरूर खाक में मिला हुआ, अपनी लड़की पे जरूर करते कि रिश्ता नहीं दूंगा ना। एक फास्ट भाई जादू करो दे ऐसा आवाज। मैं लड़की को लेकर जा रहा हूँ, ये और मैं कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एक चक्कर चलाने तुम्हें यहाँ पे आया था, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए डबल का चक्कर चलाया, सिर्फ 100 के 200 देने पड़े, तुम्हारा मैं लड़की को दो तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे सारे बनियान फाड़ दिया, वही चपले पहन के जा रहे हैं, हालात नहीं ज्यादा थी तो गली में मैं जरूर बुलाऊंगा, चीटर के बच्चे छोड़ो वाले। मुझे क्या पता, तुम्हारी कंजूसी की वजह से भागी है वो, मेरी बेटी का नाम कैसी कहा है, मोहल्ले की तमाम लड़कियों को ख्याल रखता है, बहन का ख्याल ये सब तो सब, मेरा तो एक रुपया घूमा था तो 8 दिन में बेहोश रहा था। लो बताओ, एक रुपया घूमा तो 8 दिन बेहोश रहा है, अब बेटी घूमी है फिक्र न करो, चेचक निकलेगी तुम्हें, कमर में कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े, तो तुम ही आ जाना, एक ही बात होगी। फिरोज का बच्चा, फिरोज गया बहन को ढूंढने के लिए, सारी गलत वही कर रहा है, अब मैं पहले कह रहा हूँ बेटी का तो पूछ लिया चाचा जान, कोई है दुनिया में जो मुझसे पूछे कि फिरोज तेरे बनियान कहाँ है बेटा, तेरी चप्पलें कहाँ है, कोई है जो पूछे। अबे मेरी बेटी कहाँ से आएगी, बेटियां तो पैदा होती रहेंगी, चप्पलों का पाठखाना बंद हो गया तो कहाँ से आएंगे। अगर शाम तक मेरे बनियान नहीं मिले तो इस शहर में कोई बनियान नहीं पहनेगा, बनियान फाड़ दूंगा, चप्पलें नहीं मिली तो पैर काट दूंगा। बेटी जाके शाम तक बस बस जाओ जाओ, तुम्हारी कंट्री की वजह अभी तो बेटी भागी है, अब मैं भागूंगी। अगर तू भाग के मजा पैदल ही जाए तो कौन देखेगा यार, खबर को समझाता नहीं है तू, यार
करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब्बा से मांगता हूँ तो कसम खा के बोलते मेरे पास तो है ही नहीं। अगर तेरे अब्बा तुझे जिंदगी भर 2 लाख रुपए नहीं देंगे बेटा, 2 लाख के लिए तुझे चक्कर चलाना पड़ेगा। क्या चक्कर? एक बात बता, अगर मैं 2 लाख रुपए दिला दूं मेरे कितने मिलेंगे? तुझे भी 2 मिलेंगे। अच्छा, 2 में से 2 में ले लूंगा, तू क्या चक्कर खाएगा? एक 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 तरकीब बताता हूँ। कैसी तरकीब? तेरे अब्बा का बीमा कितने का? 5 लाख। 5 लाख के लिए अब्बा मांग सकता है? 5 लाख? सोच, बेजमीर हो जा। नहीं नहीं यार, नहीं, असली थोड़ी मारेंगे, तरकीब। किसी तरकीब? 5 लाख रुपए का बीमा है, 5 लाख रुपए का बीमा है ना, 5 लाख रुपए के बीमे के लिए तुम्हें चक्कर चलाना पड़ेगा। अस्पताल से एक मरा हुआ आदमी लाएंगे लाश, उसका मुंह खराब करेंगे, इंश्योरेंस वाले को बताएंगे कि तुम्हारे अब्बा है मेरे चचा, हम रोएंगे, अब्बा को छुपाएंगे, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 तेरे 2 मेरे 1 फिर मेरा। कैसी बात? ऐसी बांटता हूँ मेरा, यही चक्कर है। ठीक है, 5 लाख रुपए मिलेंगे ना, अम्मा को राजी कर ले। अम्मा को बुलाकर अम्मा राजी होंगे तो अब्बा कैसे राजी नहीं होंगे, ना वो नई चप्पल से मारेंगे ना। बुला बुला ए भी अम्मा, अगर आओ चची आओ, चची आओ, फटाफट हो जाए। अरे वाह, 5 लाख मिलेंगे चेची जान। खुदा की कसम 2 प्याले नहीं मिलेंगे उनके। 5 लाख बोल रहे हो? 5 लाख? क्यों बेवा हो जाओ? अरे बेवा थोड़ी होना है चेची जाहिल, मेरे करने आओ क्या? देखो चेची, चेचा नहीं मरेंगे बल्कि हम चक्कर चलाएंगे, एक लाश लाएंगे किसी हीरोइन की जो चेचे जैसे हो जाते हैं आमतौर पर, ठीक है, उसका मुंह खराब करके इंश्योरेंस कंपनी को दिखाएंगे कि ये है हमारे चेचा, रोएंगे, तुम भी रोना, मैं रोऊंगा, ये रोएंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए मिलेंगे। चेचा को छुपा देंगे। तुम मुझे बेवा होना चाहते ही नहीं? तुम पहले कभी बेवा नहीं? कैसी औरत हो तुम? बेवा नहीं हो? बेवा होना तुम्हारा एक बुनियादी हक है। बेवा हो जाओ, पता मुझे इतना शौक है तुम्हें बेवा देखने का। चाहिल, एक तुम तो राजी कर रहे हो, तपा रहा चल चाची, मैं बताऊंगा कैसे बेवा हो। मैं हूं ना, ओए इधर लेट 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 लंबा लेट ले, मरना नहीं, भूख भी नहीं है। कैसे मरते? मुझे मरना कैसे मरते? कैसे मरते गरीबों? रोज मरते हो फिर पूछते हो कैसे मरते? बोलो अबे, क्या तेरे अब्बा ठंड में मर गए बेटा? सुकड़ के क्यों मर गया? कैसे मामला? अबे मर, खुल के मर, खुल के मर के तो खुल जाओ गरीबों। ओ गोदक के पोस्टर, तेरे अब्बा मरे, कुलो पत्रा नहीं मरी है? अच्छा अब्बा मरे? हाँ, मर रहा है। अबे तू मर रहा है या ग्राई वाटर पीने के लिए लेटा है? कैसे मरूं? मैं मर सीधा मर जाए। लो जी ये चटे जान की लाश। अच्छा, अंदर से आप चूड़ियां टूटी हुई है, शहनाई बज रही है, माहौल बता रहा हूँ। शहनाई कहाँ से आ रही बीच में? शहनाई रोती भी हस्ती में, शहनाई के 2 काम। अच्छा, वो वाले बज रही है, वो बज रही है, वो नहीं बज रही, वो नहीं बज रही, लाश पड़ी हुई है। तुम इंटर हो, अब इंटर हो, कैसे बिल्कुल ये चीज चाहिए, ये चीज तुमको खाना नहीं लग रही चेची, लो आप इंटरव्यू, आप बेवा हो चुकी है, चूड़ियां टूटी, चूड़ियां आपके हाथ, उन्हें आप देख रही, फिर देखती है कैसा लगा दिए मैंने हंसने को कहा है, थर्ड गेयर में ब्रेक मत लगाओ, हंसो आसान का काम बताओ भाई, हंस तो लो। वो हसी थी अमना, हसी के बाद आपके बाल बिखरे ने। अच्छा, सफेद कपड़े, लिपस्टिक पोंछ देना, हाँ ये चोट साफ कर लेना, इसी से तो स्वागत लग रही हो, बस तुमको मुंह धो लेना, बेवा निकलोगी। और ये ऊपर चढ़ाओ ना सारा कम, ये निकला और ये बेवा बाहर गया, चश्मा उतारो, अभी बेवा लगोगी, उतारो उतारो, मगर मारा अंधा कर।
ये आज इनको क्या हो गया, ये आज इनको क्या हो गया, हो सावन ले चलो यार, ले चलो, जो लोग गाली देंगे अपने कानून सुनेंगे।
ले चलो एक क्षण तो होगी दाढ़ी लगा के जाएंगे ये। लेकिन यार अगर किसी ने पहचान लिया फिर अगर किसी ने पहचान लिया ठीक है इन्हें दफना दे और सुबह लाश का इंतजाम करते फटाफट। बाबा अम्मा बड़ी गंदगी जना दे उन्होंने अल्लाह बाबा दाढ़ी उतर गई तो खूब से चिपका रहे। एक आदमी ने पहचान के कर्जा मांग लिया तो उससे लड़ने लगे। वो तो मैं चालाक था मैंने बड़ी मुश्किल से अप्पा को तंगड़ी देकर कब्र में दफनाया। मेरी बहन शकीला तुमने तो इतना भी नहीं सोचा मंत्रो का तुमका चेहरा ही मुझे दिखा देते।
गली में माया हुआ या खाया? देखो पागल हो गया, कितना दोष है दामाद को अपने सुकर के मरने का। तेरा पति बनने में थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि अब इस औरत के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा। ये औरत मुझे एक आध की बात ही पहले दिन से ये औरत मुझे पूरी लग रही और मेरे पर बहुत सुन बैठती है, कहती है अगरबत्तियां बेचना बंद कर दो, मुझे दबाव बर्बाद कर दिया इसने। और तो और इसने अपना नाम ही बदल लिया। तेरे अपा ने क्या नाम रखा इसका? शकीला। शकीला नाम रखा, नाम बदल लिया अपना। कहती है मैं शकीला नहीं हूँ, मैं तो रेखा हूँ। रेखा? अरे ये भी तो अपने आप को कबीर बेदी कहता है। कबीर बेदी? क्यों बे वो यहूदी? शर्म नहीं आती तुम लोग लड़ते हो? अरे चलो चलो मुझे जाकर तसल्ली दे, बेचारी कुंवारी बेवा हो गई, जवानी में बेवा हो गई, अम्मा को तसल्ली दे जाकर। अंदर दासू ने चंद्रत तो मंगाया, शाम तक रोना भाई। अभी क्या आई है? अबे यार तेरे अब कपड़े में डाला था, मैंने गले में डाल दिया। फोटो डालो, फोटो में डालो, इंतजाम हो गया सारा, इंतजाम भी करना है। हाँ सारी चादर वाले बिछवाओ, चले मंगा लिए स्वयं के। अरे यार चलो मंगाना मत, वो बराबर वालों के बकरे कटकर उनकी दाल बच गई, वो ही पड़वा रही और मोहल्ले की औरतों को इस तरह करी। क्या कर रहे हो भाई, औरतें नहीं आएंगी स्वयं में क्या खाक दिल लगेगा? चलो आराम ले खड़ा, मेरा नाम चलो फटाफट कर रहा है। अबे यार बात ही औरतों को बोली हूँ, जा मोहल्ले की औरतों को बोला इतना कर वापस छाछ लिए साहब। अरे भैया इन चादरों को क्या करोगे बाद में? ये चादर धुलवा के इसके फिर कुत्ते सलवार बनवाएंगे। मैं इतनी नब्बे यहाँ पे मैं आप हैं कुछ ना लो करके चपड़ी हो गई नहीं हो चुके। पहली दफा इस घर में मैयत हुई है, तुम तेरा मां पूरा नहीं है तुम्हें। हाँ यार सराती कुछ दिन वगैरह बैठेगा, क्या है ये कौन बैठेगा इस पे? अरे मुझे नहीं पहचान रहा हूँ मैं, दामाद हूँ घर का। अच्छा दो साल पहले तुम्हें लड़की लेके भागे थे ना यहाँ से? अच्छा लोगों को कह दिया? लोग आ चाहूंगे तुम छोड़ दो, उनके बातें मत कहो, बस दूसरे से मिलेंगे। अच्छा आना खुदा जा रहा है।
खामोश ताजियत है ये? मेरे ख्याल है इनकी मरूम से बातचीत बनती ना, इन्हें कुछ बोल नहीं रहे। इन्हें यहाँ ले आई है, औरतों का अलग इंतजाम है। Get out!
साहब जलसे का तकद्दुस पामाल ना करे। तो प्यार की शरीर हूं, कल शाम 3 बजे हीरो बहन को लव लेटर दे दे के आ रहा बेहया। मुझे क्या पता, मैं समझा तू आए लिखी है। दिया किसी ने कौन सा वाला है? ये बूढ़ा ही है वाला। शरण अपनी उम्र देखो बेहया, बदतमी रन छोड़ रहा है। हाँ क्या बात है? नहीं 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 क्या?
جنابے شیخ صاحب کے ساتھ زیادہ جنابے شدن سے درخواست کروں گا داماد شدن صاحب سسر کے انتشان میں پوچھتا کیا کریں گے پیارے بہنوں بھائیوں جو بھی سوچ کو اس میں مٹی ڈالے ڈال تو ہے وہ ڈالے ساتھ سن لو جو کچھ ہو چکا ہے اس میں مٹی ڈالنے کے بعد یہ سوچیے کہ آج شیخ صاحب ہم نے نہیں ہے اس کی ماں کی قسم میں بتاؤ تم لوگ کو کام ہے شیخ صاحب نہیں ہے تو تمہیں کیوں رو رہے ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی کہ میں شیخ صاحب کو اپنی شدن دربار اگر بچی دے سکوں لیکن کان آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کے کان میں درد ہوتا ہے دودھ سے خون جاتا ہے کان سے پیٹ آتی ہے آپ کو نیند نہیں آتی پرسنی ہوتی ہے صرف چار دن کے لیے خبردار کوئی اپنا سودا نہ بیچے بتا رہے ورنہ میں بھی ابھی شروع کر دوں یہاں پہ بیچنا ہاں ابھی بیچنا شروع کر دوں میں بھی دھاگے کی نل کیا یہاں حضرات میں بہت مشکور ہوں بلدیا کے محکمے کا کے ایم سی کا جنہوں نے 20,000 روپے شیخ صاحب کے مننے میں دیے ہیں کیوں اس لیے کہ علاقے سے تبڑا گند صاف ہوا اب میں جناب شیخ صاحب کے ساتھ جناب رشید کے نام سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب رشید بھائی تم کیوں تالیاں بجا رہا تمہارا باپ مرا میرے گھر والوں تم بہت جلد بے گھر ہونے والے ہو کیا بات کریں گے تمہیں ابھی یہ کیا کرتا ہے تو میرا منہ کاڑا سا بنا ہوا ہے بے گھر ہونے والے ہو اس لیے کہ ابا یہ مکان میرے پاس گر بھی رکھتا ہے باہر میں جاؤ بھائی تم 20,000 روپے ملے بلدیا سے 20,000 کا حساب دے رہی ہوں جی ہوگا کوئی مائی کا لال جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد حساب دے میں دے رہی ہوں میں مائی کا لال نہیں تم ماں کا پیلا ہے 5,000 روپے کفن میں لگ گئے 5,000 سے سلوایا بھائی میرے سامنے کی بات ہے بہت بڑی سلائی گئی 5,000 روپے اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے دیے جہاں ابا کو نہلایا گیا تھا میں سامنے کی بات ہے 1,000 میرے ہوں اور 5,000 روپے گورکھن کو دیے کیونکہ ابا کی وصیت تھی قبر کارنر کی ہو میرے سامنے کی بات ہے 500 اور 5,000 روپے علاقے کے تھانے دار کو دیے علاقے کے تھانے دار کو کیوں دیے یار ابا ایک کیس میں پھنس گئے تھے ضمانت کرا کے دفنایا وہ بھی ابا کے ساتھ قبر میں دفنا دی آخر انہیں اوپر بھی تو حساب دینا بھائی ہاں میرے سامنے کی بات ہے صحیح اب آخری بات سن لو شادی کر رہا ہوں میں کسی کا باپ نہیں روک سکتا مجھے تم لوگوں نے مجھے ناجائز مارا ہے میں روح ہوں تم سے انتقام لوں گی مجھے ٹنگڑی دیجیے ٹنگڑی میں تو اندر بھائی لسن لینے آ یہ بیٹا ہے میرا سب باپ کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اس نے اتنا موٹا پتھر مارا مجھے اور یہ میری بیوی ہے سب دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں یہ تھوک رہی تھی اللہ بھلا کرے اس کفن چور کا جس نے قبر کھولی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا وہاں سے سیدھا انشورنس کمپنی گیا اپنے انشورنس کینسل کروایا اور اپنے نام کے 20,00,000 روپے یتیم خانے کے نام جمع کرا دیے اب میں مرنے جا رہا ہوں لعنت ہے ایسی اولاد پر جو دولت کی خاطر اپنے زندہ باپ کو دفن کر دے آئیو یہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ جیے ماں